आते हैं एफ फोर का फंक्शन जो है वो मैंने आपको ये बताया था कि इसका फंक्शन है किसी भी वीडियो को करंट प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, ठीक है। एफ फोर हम एंटर करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट एफ फोर एंटर करेंगे तो कोई चीज़ हमारी क्लोज नहीं होगी। जैसे ही हम आल्ट एफ फोर एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे, तो जो हमारी वीडियो है या कोई भी करंट एक्टिविटी परफॉर्म हुई हुई सिस्टम में या लैपटॉप में वो क्लोज अप हो जाएगी। तो हम देखते हैं टू क्लोज करंट, टू क्लोज करंट एक्टिविटी इन सिस्टम। करंट एक्टिविटी को क्लोज करने के रिस्पॉन्स है F5 होता है हमारे पास, मैंने आपको ये बताया है F5 रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। आपने अपना सिस्टम रिफ्रेश करना है तो F5 एंटर करते जाएंगे, रिफ्रेश होता जाएगा, रिफ्रेश सिस्टम, ठीक है। F5 के बाद F6 है। F6 में हमने ये कहा है अगर हमने अपने वेब ब्राउज़र में डायरेक्ट URL यानी कि एड्रेस बार पे जाना है, जहाँ पर हम वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, हमने वहाँ डायरेक्ट जाना है, तो F6 एंटर करेंगे। और F6 का दूसरा काम क्या है, ये वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, वॉल्यूम को कम करता है। टू शो एड्रेस बार एंड रिड्यूस वॉल्यूम, F6 के बाद है F7। F7 में मैंने आपको ये बताया है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्पेलिंग एंड ग्रामर की जो मिस्टेक होती है उनको ढूंढता है। टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग एंड ग्रामर की मिस्टेक है वो उनको ये देखता है कि अगर इसमें अगर हमारे पास दो तरह की लाइन्स होती हैं, नंबर वन रेड लाइन एंड नंबर टू है हमारे पास ग्रीन लाइन। रेड लाइन जो शो करती है होती है इसका मतलब यह है कि आपकी स्पेलिंग गलत है, आपकी इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट है और ग्रीन लाइन जो है वो हमारे पास ग्रामर मिस्टेक। स्पेलिंग की गलतियां हैं रेड लाइन और ग्रीन लाइन क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक। F7 के बाद हम आगे आते हैं F8। F8 का मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियो में ये बताया है। F8 में हम अगर प्रेस करते हैं, अगर आपने सिस्टम को शट डाउन नहीं किया, बटन ऊपर से बंद कर दिया, तो आप जब ऑन करेंगे बटन तो आपका जो कंप्यूटर है वो ज़रा देर से स्टार्ट होगा और वो कुछ जो है उसमें नंबर्स हैं, जब वो नंबर्स कंप्लीट अप हो जाएंगे तो वो है विंडोज़ के मेन्यू में जाएगा, तो विंडो के मेन्यू से वो अगर आपने पासवर्ड लगाया हुआ तो पासवर्ड का जो है ऑप्शन शो करेगा। लेकिन आप जब आपका जो कंप्यूटर है वो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स को रिवर्स काउंट कर रहा होगा, इस तरह काउंट करता है 28, 7, 26, 25, 24, फिर जीरो पे जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप F8 प्रेस कर देंगे तो जो नंबरिंग रिवर्स कर परफॉर्मेंस हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। आप एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद आप विंडो के मोड में आ जाएंगे, तो ये हम सेफ मोड में जाते हैं। F9 का कंप्यूटर में कोई फंक्शन नहीं है, F9 से कोई भी जो है ना वो फंक्शन नहीं है, F9 का नो फंक्शन। F10 जो है वो हमारे पास
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो हमारे पास टैब्स होते हैं डिफरेंट, होम का टैब है, फाइल का टैब है, इंसर्ट का टैब है, डिज़ाइन का टैब है, ठीक है, और इस तरह जो हमारे टैब्स होते हैं उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को शो करता है। जैसे हमारे फाइल का टैब है तो ये कैप्स लॉक में एफ शो करता है, इसी तरह इंसर्ट का टैब है तो एन शो करता है, इस तरह डिफरेंट जो टैब है वो शो करता है। तो शो वन अल्फाबेट्स वन अल्फाबेट्स ऑफ एम एस ऑफिस टैब F11 में मैंने वही बताया है कि वीडियो को, वेब ब्राउजर को, स्क्रीन को फुल स्क्रीन करने के लिए, स्क्रीन है वो मीडियम में है वो फुल स्क्रीन करने के लिए F11 जो है वो इस्तेमाल होता है। टू व्यू वेब ब्राउजर इन F11 प्रेस करेंगे फुल स्क्रीन हो जाएगी, F11 दोबारा प्रेस करेंगे तो दोबारा से जो है हमारे पास स्क्रीन जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। F12 में हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, जिससे हम कंट्रोल एस में सेव करते थे ना, इस तरह F12 में भी करते हैं। टू सेव डॉक्यूमेंट तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने फंक्शनल चीज़ को डिस्कस किया। तो या ये हमारे पास आज कंप्लीट हो गए हैं, कीबोर्ड से फंक्शनल की शॉर्टकट की मैंने आपको पहले बताया है। तो आपने करना ये है, कल की जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि डिफरेंट कीबोर्ड्स जो हैं उनमें आपने मेंशन करने की कीबोर्ड्स का ये वाला हिस्सा है, न्यूमेरिक पैड है, ये अल्फाबेटिक पैड है, ये एरो कीज़ होती हैं, ये जो कीज़ होती हैं इनको कंट्रोल कीज़ कहते हैं। तो कॉपी पे लिखना है, लिखने के बाद शॉर्टकट कीज़ जो हैं उनको लिखना है और फंक्शनल कीज़ को लिखना है। लिखने के बाद जो है जितना आपने पहले असाइनमेंट मुझे सेंड किया है इस तरह ये वाली असाइनमेंट भी आपने सेंड कर देना, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।